तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो भिवाड़ी में आए दिन चोरी के मामले सामने आते हैं और इन चोरियों को मामलों को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे सीनियर पत्रकार सुरेंद्र सरोलिया लगातार वो इस तरह की जो खबरें हैं उनको कवर करते हैं, पॉलिटिकली कवर करते हैं और क्राइम की भी यहाँ की भिवाड़ी को लंबे समय से वो देख रहे हैं। उनका क्या मानना है कि जिस तरह से आए दिन भिवाड़ी में चोरी की घटनाएं सामने निकल के आती हैं और हम लोग कवर करते हैं और आज भी जिस तरह यानी कि 10 से 15 लाख का जो माल गया है, मोबाइल चोरी हुआ है सेंट्रल मार्केट में, रात को चोर उड़ा ले गए, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आप लगातार यहाँ भिवाड़ी कवर करते हैं, पॉलिटिकली क्राइम सारा आप बीट देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो रात की जो घटना हुई है और आए दिन इस तरह की घटना हम देखते हैं, कवर करते हैं, तो क्या मानना है आपको, किस तरह से इस क्या प्रशासन इसमें नाकाम है? देखिए जमशेद भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत इस बात में, इस मामले में बहुत मुखर हूँ मैं, और बहुत सारे लोग मेरे को शायद ये भी कहते हैं कि आप तो पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात करते हैं या उस पार्टी की बात करते हैं। भिवाड़ी में जितने भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग के व्यापारी साथी हैं जो, उनको आम आदमी सभी को एक सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, एक ये ध्येय बनाना पड़ेगा कि जब हम चुनावों के टाइम चुनावी समर में होते हैं, हमें पार्टियों के चश्मे चढ़ जाते हैं, कुछ मीठी मीठी बातें आती हैं जहाँ हम कभी किसी और मुद्दे पर चले जाते हैं, कभी किसी और मुद्दे पर बातें होने लग जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी की ज़रूरतें इस तरह की होती है, आपराधिक घटनाएं ना हो। व्यापार की कमर पहले ही टूटी हुई है, व्यापारी वर्ग जो है वो पहले ही परेशान है, लेकिन अगर इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो फिर व्यापारी और टूट जाता है। जिस व्यापारी के यहाँ पे घटना होती है वो टूट जाता है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, और जिस व्यापारी को ये उसके साथ मिलते जुलते काम, जैसे मैं आज मोबाइल जो शॉप जितने भी उनकी मैं बात करूँ, सभी लोग यहाँ पर हैं, मोबाइल शॉप के जितने भी संचालक हैं उन सबको एक ये टेंशन होने लगी है कि आज इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ ना हो जाए। कोई दुकान बड़ी हो सकती है, कोई दुकान छोटी हो सकती है, किसी व्यापारी को हो सकता है कम फर्क पड़े, किसी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए, क्योंकि किसी के पास हो सकता है 10 लाख को भुगतने की भी क्षमता हो और किसी के पास 10 रुपये भुगतने की क्षमता ना हो, क्योंकि अपना अपना सभी टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जब मुद्दे का सवाल होता है वो ये है कि कानून प्रक्रिया को लेकर सभी जो पार्टियां हैं, सभी जो नेता हैं, जो जो समाज सेवी लोग हैं, वो सभी लंबी लंबी बातें करते हैं, सब दुनिया भर की गारंटियां ले लेते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है व्यापारी, आम आदमी, आम राहगीर, आम कामगार, उनकी जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करता। और आपने देखा होगा कई बार सरेराह मोबाइल भी लूट लिया जाता है, महिलाओं से चैन स्नैचिंग की जो घटना है वो आम अमूमन आपको देखने को मिलती है। आप बाज़ार मार्केट जाओ तो बाइक जो चोरी की घटना है वो कभी थमती नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये सब चुनावों के दौरान जब हम इन चीज़ों के जिम्मेदारों का सिलेक्शन करते हैं तो ये बातें, ये मुद्दे सब गौण हो जाते हैं, फिर कुछ और बातें आ जाती हैं, कहीं आपके मेरे धर्म की बात आ जाती है, कहीं पक्ष विपक्ष की बातें आ जाती है, कहीं जहां हमें धरातल की बात करनी चाहिए वहां नेशनल मुद्दे आ जाते हैं। ठीक है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, हम बैलेंसेबल, हमें जो एक न्यूट्रल रहकर काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात ये भी कि जो सच्चाई है कड़वी वो अच्छे के लिए हो वो भी कहना चाहिए, वो बुरे के लिए हो वो भी कहना चाहिए। अगर हम इन अच्छे और बुरे में अगर फ़र्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसानी ताना बाना है वो टूट कर बिखर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब चुनावों का दौर आता है, जब इन सब बातों की गारंटी की बात की जानी चाहिए, उस समय बातें हैं जो वो कहीं और की जाती है, इधर उधर की बातें की जाती है, गोल गोल जलेबी की तरह नए नए लच्छेदार भाषण और मिठाई के जैसे ऐसे से वादे बता दिए जाते हैं आपको कि आप भूल जाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जब आप पर इस तरह की घटना गुजरती है, इस तरह की वारदात जब आपके साथ हो जाती है, जब आप ऐसे माहौल से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता जो जिसके साथ ये घटना घटित होती है। बड़ा सवाल ये है कि हम हर मामले में पुलिस को भी ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन पुलिस को ज़िम्मेदार जब तक पूरे तरीके से हम नहीं ठहरा सकते जब तक यहाँ पर पूरी नफरी ना हो। क्योंकि कई बार आपने ये भी देखा होगा थाने वगैरह में कि शायद पुलिस में जो मौके पे उस समय जो लोग हों, जो अधिकारी बैठे हों या कर्मचारी, उनका व्यवहार अच्छा ना हो,
आप ये बताइए, जो 24-24 घंटे काम करेगा, एक एक आदमी जो रात में गश्त में भी काम कर रहा है, दिन में भी काम कर रहा है, वो डीओ ड्यूटी भी कर रहा है, वो ड्राइविंग भी कर रहा है, वो कहीं और भी कर रहा है, कहीं फाइल लेकर भी जा रहा है, तो क्या आप बताइए आप और हम कितनी देर काम कर सकते हैं? आम आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कहीं भी आज तक किसी भी नेता ने ये बात नहीं उठाई कि भाई पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए, या 10 घंटे की हो, या 12 घंटे की हो। आपको सब स्लॉट मिलेंगे, आप निजीकरण जो भी जो नौकरियों का है, प्राइवेटाइजेशन जिसको कहते हैं, वहाँ आप कहोगे वहाँ भी एक टाइम स्लॉट तय है। आप कुछ और डिपार्टमेंट है वहाँ जाओगे तो वहाँ भी टाइम स्लॉट जो है वो तय है, लेकिन पुलिस में नहीं है। एक जो कर्मचारी है वो अभी अगर कहीं फाइल की पूर्ति करने के बाद में, कागजी कार्रवाई की पूर्ति करने के बाद में, जो विवेचना है उसको करने के बाद अगर लौटा है, हो सकता है उसको आते दूसरी फाइल थमा दी जाए। तो मुझे बताइए, है तो आदमी ना, वो थका हारा कब तक काम करेगा? इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। आज तक किसी भी नेता ने संसद में या विधानसभा में ये आवाज़ नहीं उठाई कि पुलिस वाले भी तो इंसान ही होते हैं, उनके लिए भी कम से कम एक आवाज़ उठाई जानी चाहिए। क्योंकि वो आवाज़ जब उठेगी तो कहीं ना कहीं थाने में जो लोग हैं, जो उनकी संख्या बढ़ेगी, जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और उसका फायदा आम आदमी को मिलेगा, समय पर गश्त होगी। मुद्दे भी बात करते हैं, जिस तरह से हम भिवाड़ी को ज़्यादा कवर करते हैं कि हम भिवाड़ी का यहाँ पे लोकल कवर करते हैं, और हम देखते हैं कि इस तरह की जो घटनाएँ आए दिन हमको देखने को मिलती हैं, महीना दो महीने में तो मिल ही जाती है, तो इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में पुलिस प्रशासन इसमें रोकने में नाकाम है, या पुलिस पूरी जिम्मेवारी निभा रही है? जन जो व्यापारी वर्ग है उनको भी सहयोग करना चाहिए पुलिस का, दोनों का हाथों से ताली बजती है। जमशेद भाई, इसमें पूरी तरीके से अगर हम पुलिस को जिम्मेदार ठहराएं तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी, है ना। बहुत सारे दुकानदार तो ऐसे हैं जिनके यहाँ पुलिस कह कहकर थक चुकी है, शायद उनके यहाँ CCTV कैमरे भी नहीं है। और अगर कई बाज़ार ऐसे हैं जो बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वहाँ CCTV कैमरे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सहयोगी तो चाहिए होता है, क्योंकि पुलिस भी तो हम और आप में से ही तो है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि जब व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग का ही कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा है, बहुत दुकानदार जो समझदार लोग हैं उनके यहाँ CCTV कैमरे हैं, वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आज के दौर के हैं, तो वो पुलिस प्रशासन के साथ मदद भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी कोई घटना हुई नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब बातें हवा हवाई है। लेकिन ये मेरा निवेदन है सभी व्यापारी भाइयों से कि अपनी अपनी दुकान पे, एक मेन गेट पे अंदर और बाहर की तरफ कैमरे होने चाहिए, रास्ते आने जाने हैं उन पर कैमरे होने चाहिए। कुछ बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर ये समझिए कि भिवाड़ी की धुरी है, बिल्कुल भिवाड़ी के विकास की, या भिवाड़ी का जो रोटेशन, जो भिवाड़ी चलता है, जो भिवाड़ी सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, मैं इसको मिनी इंडिया तो भिवाड़ी को कहते हैं, मुंबई भी भिवाड़ी को, मिनी मुंबई भी भिवाड़ी को कहते हैं, क्योंकि हर संस्कृति का, हर प्रदेश का, हर व्यापार का, हर तरह का आदमी यहाँ पर है, मिल जाएगा। तो इसी तरीके से कि पुलिस और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं सहयोग की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत होनी भी चाहिए, और उम्मीद की भी जानी चाहिए कि सहयोग मिलेगा। और जब पुलिस भाग दौड़ कर काम करती है, जब पुलिस किसी भी घटनाक्रम का पटाक्षेप बहुत जल्द कर दे, तो पुलिस का भी कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे आपके भाई हैं, कोई हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव का हो सकता है, कोई अड़ोस पड़ोस के हमारे ज़िले का माफ़ कीजिएगा हो सकता है, कोई अड़ोस पड़ोस के राज्य का हो सकता है तो हमारे अपने ही, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई भी होना बहुत ज़रूरी है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार सरकार ने भी यहाँ पे ज़िले बनाए हैं, और भिवाड़ी को भी जिला यानी का पुलिस जिला मुख्यालय बना रखा है, यहाँ पे पुलिस यानी का नफरी की कमी है, और यहाँ पे पुलिस लाइन भी है, उसके बावजूद भी घटनाएं कम नहीं हुई हैं, आखिर ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, ये है, कायम हो रहा है क्या? आप देख रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से जब पुलिस जिला नहीं था तब भी इतनी घटना थी, और आज पुलिस जिला बन गया उसके बावजूद डबल इस तरह इजाफा तो हुआ है घटनाओं में, लेकिन कम नहीं हुई। जब भी जमशेद भाई, जब भी डिवीज़न या सब डिवीज़न इनका डिवाइडेशन होता है, तो यही तर्क दिए जाते हैं कि आम आदमी को सहूलियत होगी, आम आदमी को सहारा मिलेगा, आम आदमी को प्रशासन तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय जाया नहीं करना पड़ेगा, आसानी से प्रशासन तक आम आदमी पहुंच सकता है। लेकिन स्पष्ट है, जिला तिजारा खैरतल बन गया,
लेकिन वो किस स्तर पर है, हालांकि बहुत जल्द सब कुछ एकदम से नहीं हो सकता, उसमें भी टाइम लगता है। पुलिस ज़िला भिवाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है विधानसभा या लोकसभा, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, जब तक उसमें आपका जो पक्ष रखने वाला जो नुमाइंदा है वो बहुत मजबूत ना हो और बहुत मजबूती से काम ना करे, और जब उसमें आपसे लगाव और आपसे अपनापन हो, आम जनता से जुड़ाव नहीं होगा जब तक अपना उनकी जो हाँ, जब तक उसमें अपना तो नहीं होगा तब तक ये बातें पूरी जिम्मेदारी से नहीं उठाई जा सकती। मैं फिर वही बात कहूँगा कि चुनाव के दौरान हम और बातों में उलझ जाते हैं, धर्म की बात की जाएगी, अनेक मुद्दे की बात की जाएगी, दिल्ली मुंबई के बात, जम्मू कश्मीर की बातें की जाएंगी, लेकिन भाई हमें तो यहाँ चाहिए समाधान। हमारी रोजी रोटी का जो जुगाड़ है वो यहाँ पर है, दो रोटी के जुगाड़ में हम यहाँ पर आते हैं। आप मुझे ये बताइए, जिस भाई के यहाँ 10 लाख की चोरी हो गई वो कितने दिनों में जाके उभरेगा? एक सबसे बड़ी समस्या और है कि जब किसी व्यापारी भाई के यहाँ कोई घटनाक्रम हो जाता है तो उसके लिए दो डबल मरना होता है। कुछ भाई ऐसे जाते हैं जो विवेचना करने जाते हैं कि शायद वो दुकानदार बोल तो नहीं पाता, लेकिन इंडिविजुअल तरीके से उसके यहाँ फिर भी चोरी हो रही होती है। समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। ऐसे दुकानदार हैं भिवाड़ी में जिनके यहाँ डकैती जैसी घटना हुई और उनके यहाँ 10 से 12 लाख की डकैती हुई और वो आज तक ये बेचारे लुटी रहे हैं। जो भी जांच अधिकारी गए, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, बहुत सारे लोग तो गायब हो गए। सुरेंद्र, ये सबसे बड़ा सवाल देखो हमको देखने को मिल रहा है और इसमें सोच सोच के हम लोग भी एक दुख होती है। जब कोई व्यापारी के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो पॉलिटिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और कोई ऐसे कोई बंदे के कुछ घटना होती है, पूरा प्रशासन से लेके पूरा बाजार से लेके पॉलिटिकल लोग, दूर दूर जिलों से लोग आ जाएंगे ये घटना कैसे हुई उसके सपोर्ट में। और जब व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी होती है, और भिवाड़ी की बात करें, भिवाड़ी का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी लोग सपोर्ट में नहीं खड़ा होता पॉलिटिकली की बात करें तो, ये है ना देखने को मिल रहा है ना हमारे हिंदुस्तान में। एक ऐलानी जंग फिल्म में एक डायलॉग है कि अभी अंग्रेजों की पिलाई हुई शराब की बू बाकी है ना जी, मुझे ऐसा लगता है कि 500 साल लग जाएंगे। जब हम इन चीज़ों की बात रखें ना तब हमारे ठेकेदार बहुत समाज में पैदा हो जाते हैं, वो व्यापारी वर्ग में भी हो सकता है, वो आम समाज में भी हो सकता है, वो हमारे आपके बीच में भी हो सकता है। उस समय पर्टिकुलर सुरेंद्र सिरोलिया या जमशेद खान को कोई नहीं जानता, आपकी हमारी बातें कहीं और ही जा चुकी होती हैं। वो आपका आदमी है, वो मेरा आदमी है, वो इसका आदमी है, वो उसका आदमी है। जब हमारा जनप्रतिनिधि आपको बाई फेस जानता नहीं, आप हो सकता है बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में बाई फेस आदमी नहीं जानता हो, लेकिन व्यापारी वर्ग की बार बार जगह जरूरत पड़ती है। चुनावों में बड़े बड़े AC होटलों में उनकी मीटिंग ली जाती है, RW की मीटिंग ली जाती है, और व्यापार संगठन है उनकी मीटिंग ली जाती है, पार्षद और जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी मीटिंग ली जाती है। तो उस समय कुछ ठेकेदार होते हैं जो सबका ठेका ले लेते हैं, उस वो ठेकेदारी प्रथा जब तक नहीं हटेगी तब तक आप समय पे अपनी बात नहीं रख सकते, आप अपनी डिमांड नहीं रख सकते, आप अपनी बातों को मनवाने के लिए उस जनप्रतिनिधि को घटनास्थल तक नहीं बुला सकते। ऐसे जनप्रतिनिधि है इनविटेशन देने के बाद मौके पर नहीं पहुंचते। एक सवाल है, छोटा सा सवाल बताइए, आखिर क्या होना चाहिए भिवाड़ी को जो इस तरह की घटनाओं को लेकर जो प्रशासन से लेकर पॉलिटिकल क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ये घटनाएँ रुके? बड़ी विडंबना है, भिवाड़ी में एकता नहीं है, भिवाड़ी में आवाज़ मुखर करने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपके साथ घटना हो गई तो आप शोर मचाओ, मेरे साथ घटना हो गई मैं शोर मचाऊं। आज अगर जो घटनाक्रम हुआ है इसका विरोध करने में सिर्फ जो मोबाइल एसोसिएशन है मुझे वही नज़र आ रहा है, यहाँ पर और भी जो व्यापारिक संगठन है वो साथ नहीं है। ऐसे मौके पर व्यापारिक संगठनों को साथ आना चाहिए, यहाँ पर वो ठेकेदारी प्रथा परेशान करती है, किसी की पर्टिकुलर इंडिविजुअल जानकारी है, किसी के किसी से संपर्क है, आज अगर विरोध करने आओगे तो 4 आदमी उन्हीं में से ही आ जाएंगे डील करने वाले कि कोई बात नहीं आपकी घटना का पटाक्षेप हो जाएगा लेकिन आप शांत रहो। लेकिन उस घटना का पटाक्षेप हो या ना हो वो तो आगे की बात हो गई, लेकिन बदमाशों को हाथ पैर और हो जाते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में
एकजुटता भिवाड़ी में कभी नज़र नहीं आई। मैंने 16 साल की अपनी पत्रकारिता में ये देखा है कि भिवाड़ी में एकजुटता से कोई माइनर कोई ऐसी घटना रही हो, जो रेयर एंड रेयरेस्ट घटना हो गई हो, जो आम आदमी सुनते ही एक बार ये सिहर उठे कि यार ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी घटना अगर कभी हुई हो जिसमें पूरी भिवाड़ी को मैंने एक साथ देखा हो तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज इस तरह के घटनाक्रम पे मैंने भिवाड़ी को एक साथ नहीं देखा। चाहे हम क्या सब लोगों को एक साथ आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, चाहे वो जिला बनाने का मुद्दा हो, हम जिला नहीं बनने में भी यही मार खा गए। बैकग्राउंड में ये बातें आती रही है कि सीएम साहब के पास में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं गई कि भिवाड़ी को जिला बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है, फूट डालो राज करो। यहाँ एक फूटी दिल्ली गाँव में कहते हैं वो भिवाड़ी है। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं इस तरह की जो घटनाएं भिवाड़ी में जो हो रही है उसको लेकर लगातार कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।